और सेफ जब सीनेरियो ठीक हो जाता है देन अगेन वी कैन प्लेस आर मनी वेयर वी कैन ग्रो दैट मनी एक्सपोनेशली ओके सो गोइंग फॉरवर्ड अगर हम बात करें ऑल इज नॉट वेल वर्ल्ड वाइड वर्ल्ड इज अगेन डिवाइडेड, डिवाइडिंग इनटू वेरियस पार्ट्स वेरियस यूनियंस एंड ऑल स्मॉल कंट्रीज आर स्ट्रगलिंग विदर सोर्सेज ऑफ फाइनेंस लाइक श्रीलंका जैसे मैंने आपको बताया बहुत बुरा हाल चल रहा है मैक्रो लेवल पर देखा जाए तो ये द सिचुएशन इज क्वाइट टाइट एंड इट मे रिमेन टाइट फॉर लेट्स ए वन एंड हाफ ईयर मोर बिकॉज ऑफ द सप्लाई कंस्टेंट सप्लाई एकदम इतनी जल्दी नहीं बढ़ सकता सप्लाई धीरे धीरे ही बढ़ता है इट्स नॉट अ मैजिक वैंड की आपने घुमाया और सप्लाई बढ़ गया डिमांड ज्यादा है सप्लाई कम है तो सप्लाई को ठीक होने में कुछ टाइम लगेगा लेकिन इन सब डार्क एरियाज के बावजूद वी हैव द सिल्वर लाइन इन प्रस्पेक्टिव सिल्वर लाइन अगर मैं बात करूं तो दैट इज फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ इंडिया इंडियन प्रस्पेक्टिव से देखा जाए तो वी हैव द सिल्वर लाइन इन टर्म्स ऑफ द ग्रोथ ऑफ आर मनी एंड द प्रोटेक्शन ऑफ आर मनी द सिल्वर लाइन इन इंडियन प्रस्पेक्टिव इज़ लाइक दैट वी हैव वन बिलियन पीपल ठीक है और आप जानते हैं उसमें से सिक्सटी परसेंट जो है वो अर्निंग हैंड्स हैं ठीक है आपका जो स्किल बेस्ड नॉलेज है दैट इज क्वाइट एक्सपेंडिंग एट लार्ज इंटरनेशनल कंपटिटिवनेस हम लोगों में धीरे 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 आ रही है वी आर लाइक नेट सर्विस एक्सपोर्टर सर्विस एक्सपोर्टर मीन्स दैट जो ह्यूमन रिसोर्स है हमारा दैट इज अर्निंग क्वाइट गुड इन टर्म्स ऑफ फॉरन एक्सचेंज लोग इंडिया से बाहर जा रहे हैं वहाँ से वहाँ पैसा कमा रहे हैं पैसा कमा के वो इंडिया लेके आ रहे हैं तो इन टर्म्स ऑफ नेट सर्विस एक्सपोर्ट वी आर इन अ स सेक्टर स वे सिमिलरली आपका जो टोटल एक्सपोर्ट्स है वो भी इंक्रीजिंग डे बाई डे बिकॉज सप्लाई कंस्टेंट्स आर देयर इन अदर कंट्रीज सो वी हैव द बेटर ऑपरचुनिटीज एंड वी हैव बेटर प्लेस्ड आर सेल्फ इन सच अ वे दैट वी आर एक्सपोर्टिंग क्वाइट गुड इंडिया टेक्नोलॉजिकल हब बनता जा रहा है आपको पता है सेक्टर्स में इंडिया कितना आगे है सिमिलरली हमारी जो पर कैपिटा जी है वो कंपेरिटिवली वेरियस कंट्रीज से कम है कम है इसका मतलब आगे और बढ़ना है वी हैव टू कम्पीट विद द वर्ल्ड और वो जो हमारा यूथ है जो हमारी डेमोग्राफिक सिचुएशंस है या जो हमारा पॉपुलेशन uh, है वो इस चीज़ को कवर कर रही है एंड दे आर आई मीन टू से दे आर इंटो इट और जो हमारा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है वो भी नीचे है लेकिन वी आर ट्राइंग आर बेस्ट सो दैट कि इंडिया जो है वो एक वेल well प्लेस जो है आई मीन टू से इन टर्म्स ऑफ अट्रैक्टिंग मनी इनट्रैक्टिंग लाइक इन्वाइटिंग सॉर्ट ऑफ जैसे अपना जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इतना अच्छा नहीं है एज कम्पेयर टू डेवलप्ड कंट्रीज तो उस चीज़ को डेवलप करने के लिए एक ऐसा सिनेरियो धीरे धीरे बन रहा है जिससे जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो इंडिया में आ रही हैं इन्वेस्ट करने के लिए और इन्वेस्ट हो भी रहा है इस तरह से कि इन एंटायर वर्ल्ड वी आर दैट द ग्लूमिंग सिचुएशन इज़ देयर, बट फ्रॉम इंडियाज़ परस्पेक्टिव आने वाले दस साल पंद्रह साल बीस साल इंडिया के लिए बहुत अच्छे होने वाले हैं दिस इज़ माई पर्सनल व्यू उसके बाद आपका जो ओवरऑल अवेयरनेस है वो अच्छा हो गया है जो वुमेन का पार्टिसिपेशन है एज अर्निंग हैंड वो भी क्वाइट इट्स क्वाइट गुड सो फ्रॉम माय पॉइंट ऑफ व्यू इन इन इफ वी डू द टोटेलिटी ऑफ द थिंग्स इंडिया इज़ अ बेटर प्लेस वेयर वी कैन इन्वेस्ट आवर मनी द सेक्टर्स मे बी इट डिपेंड्स अपॉन टाइम टू टाइम कि कौन कौन से सेक्टर्स हैं ऐसे जो किस किस टाइम पे ग्रो कर सकते हैं लाइक like, <coughs> अभी अगर हम बात करें अभी आईटी सेक्टर आपका फार्मा सेक्टर जो है आपका वो थोड़ा नीचे है गोल्ड भी थोड़ा सा नीचे आ गया है लेकिन आने वाले टाइम में जो सिचुएशन बन रही है वर्ल्ड वाइड कॉमोडिटीज़ का जिस तरह से डिमांड बढ़ रही है तो एक सेक्टर है कॉमोडिटी का सेक्टर है जहाँ पर हम लोग अपनी मनी को प्लेस कर सकते हैं ठीक है थीके? तो ये सेक्टर कौन सा आपको प्लेस करना है इट इज़ वेरी सिचुएशनल तो एक इन्वेस्टर को हमेशा ये ध्यान रखना पड़ेगा ध्यान रखना होगा कि उसका जो नॉलेज बेस है उसको अपडेट करते रहना होगा जैसे ही कोई ऐसी सिचुएशन आती है जिसमें द सिचुएशन मैन द सिचुएशन इज़ रिस्की उसको लगता है कि टाइम अनसर्टेन आने वाला है तो ही हैज़ टू स्विच द इन्वेस्टमेंट और द मनी वेयर ही हैज़ प्लेस दैट मनी टू ऑर्थोडॉक्स और सम एरियाज और सेक्टर जहां पे आपका वो पैसा जो है वो प्रोटेक्ट रहे लाइक like, मैंने आपको बताया जैसे गोल्ड है या आपका एफ डीज हैं तो उस जगह पे वो पैसा आपका उस पर्टिकुलर पीरियड के लिए जब अनसर्टेनिटी है तो वो पैसा आपका सेफ रह सकता है ठीक है जैसे ही सिचुएशन ठीक होती है तो आप उस पैसे को आप उस एरिया से उस सेक्टर से हटाकर आप वापस जो नॉर्मल सेक्टर्स हैं लाइक रियल इस्टेट है आपका या इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर है या आपका स्टॉक मार्केट है या और आईटी सेक्टर्स हैं, जहां पर स्काई इज द लिमिट फ्रॉम इंडियन परस्पेक्टिव आप वो प्लेस कर सकते हैं तो इसके लिए वी नीड टू अंडरस्टैंड अगेन आई एम कमिंग टू दैट द बेसिक थिंग द इन्वेस्टर नीड्स टू अंडरस्टैंड वट टाइप ऑफ लैग इज गोइंग ऑन इफ द लैग इफ द टाइम इज गोइंग विच इज क्वाइट अनसर्टेन अनसर्टेन एज वी ऑलरेडी डिस्कस्ड तो आपको दैट वी द इन्वेस्टर हैज़ टू टेक द स्टेप्स फॉरवर्ड देखिए अगर आप एक मार्केट uh, से या एक सेक्टर से अपने पैसे को निकाल के दूसरे सेक्टर में लगाते हैं तो यस द ट्रांजेक्शन कॉस्ट इज देयर द ब्रोकरेज कॉस्ट इज देयर बट दैट कॉस्ट यू हैव टू इनकर वो कॉस्ट रिलेटिवली बहुत कम होती है जैसे मान लीजिए आपके पास एक एक्स फंड है तो वो जो रिलेटिव कॉस्ट है जो फंड को ट्रांसफर करने की कॉस्ट है दैट मे बी वन टू टू परसेंट लेकिन जो कैपिटल इरोजन होता है अनसर्टेन टाइम्स में दैट मे बी दैट ट्वेंटी परसेंट थर्टी परसेंट और इवन फिफ्टी परसेंट देखिए जैसे सेंसेक्स आपका है सेंसेक्स थर्टी स्टॉक निफ्टी फिफ्टी अब आप देखिए निफ्टी फिफ्टी ये इस साल में पंद्रह से बीस परसेंट नीचे है तो आपका अगर एक लाख का अमाउंट है तो देट विल गो डाउन टू एटी फाइव थाउजेंड रुपीज़ अगर हम रिलेटिवली बात करें लेकिन अगर आप गोल्ड देखें या एफ देखें गोल्ड को छोड़ देते हैं एफ ले लेते हैं तो एफ में आपका पैसा अगर हम इन्फ्लेशन को छोड़ दें तो आपका पैसा थोड़ा सा ग्रो ही करेगा अगर आप इन्फ्लेशन अगर नेगेटिव इंटरेस्ट रेट छोड़ दें तो ग्रो ही करेगा कम नहीं होगा लाइक 15 से 20 परसेंट कम नहीं होगा अब जब आपको लगता है कि मार्केट एक सेचुरेशन पॉइंट पर आ गया है मार्केट का मतलब सिर्फ स्टॉक मार्केट से नहीं है मेरा मार्केट बहुत तरह की है तो आपको जब लगता है कि एक सेचुरेशन पॉइंट पर मार्केट आ गई है अब मार्केट इससे नीचे जाना पॉसिबल नहीं है तो आप अपने उस टाइम पर जो सेक्टर्स आपको लगते हैं जो आपके एक्सपर्ट्स हैं आप डिस्कस कर सकते हैं या आपको अपनी इंट्यूशनस हैं या आप ग्लोबल चीज़ों को देखते हैं अगर आप ग्लोबल स्टडी करते हैं मार्केट्स की तो आप देख सकते हैं कि कुछ ऐसे बहुत सारे सेक्टर्स निकल के आते हैं लाइक बैंक्स है बैंक्स आर एवरग्रीन अगर किसी भी इकोनमी को ग्रो करना है दैट हैव दैट हैज़ टू बी बैंक ऑन द बैंक्स बैंक इकॉनमी के साथ बढ़ेगा ही बढ़ेगा ठीक है तो कंसिडरिंग दो थिंग्स आप अपने पैसे को इन अनसर्टेन टाइम्स वहां प्लेस कीजिए सॉरी जहां आपको लगता है कि द मनी विल रिमेन सेम इफ इट इज नॉट ग्रोइंग जैसा ही आपको लगता है कि वो टाइम सिनेरियो निकल गया है ठीक हो गया है या होने वाला है देन और सेचुरेशन आ गया है मार्केट का तो आप अपना मनी जो है वहाँ प्लेस कर सकते हैं और आप देखेंगे कि जब मार्केट गिरता है और एक सेचुरेशन पॉइंट पे आता है देखिए मार्केट का जो डिप्लीशन है नो वन कैन प्रोडिक्ट जो बॉटम है और जो राइज़ है वो कोई नहीं कर सकता लेकिन एक आइडिया एक रेंज आ जाती है अगर एक आप एक पॉइंट पे एंटर करते हैं वहाँ से मार्केट दो परसेंट तीन परसेंट या पाँच परसेंट नीचे जाती है लेकिन वहाँ से आपको पुल बैक मिलता है दैट पुल बैक इज़ क्वाइट गुड और एक बात और मैं आपको समझाना चाहता हूँ एज एन इन्वेस्टर देयर मस्ट बी अ डिफरेंस इन नीड एंड ग्रीड इन्वेस्टमेंट आपको हमेशा अपने जो ऑब्जेक्टिव्स हैं शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव्स हैं या लॉन्ग टर्म ऑबजेक्टिव्स हैं उनको देख कर ही इन्वेस्ट करना चाहिए और अपनी इन्वेस्टमेंट का एक रिव्यू एक रिवाइवल रिवाइवल तो नहीं बोलना जाएगा इसको रिव्यू करते रहना चाहिए रिव्यू कैसे करना है आपको दैट ऑल डिपेंड्स अपॉन टाइम टू टाइम लाइक like, कि जैसे ही आपको लगता है कि कुछ इंटरनेशनली कुछ सॉर्ट ऑफ कोई चीज चल रही है कुछ ऐसा होने वाला है या हो सकता है दैट यू कैन गेज फ्रॉम द वेरियस इंटरनेशनल न्यूज एंड मैगज़ीन्स एंड वेरियस पैनल डिस्कशंस तो वहाँ आप देख सकते हैं उस चीज़ को वहाँ से आप गेज कर सकते हैं कि यस द टाइम इज नाउ लाइक जैसे एग्जांपल अभी एक पीछे कंसेप्ट आया था कि जो मार्केट कैप है जो स्टॉक मार्केट का मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो अगर किसी कंट्री की जीडीपी से ज्यादा हो जाता है जीडीपी से ज्यादा हो जाता है तो इट मींस मार्केट इज ओवर और अगर वो बहुत कम हो जाता है तो मार्केट इज ओवर तो इन चीजों को इस रिलेटिविटी को भी अगर आप ध्यान रखते हैं आप कंटिन्यूसली अपडेशन करते रहते हैं अपने आप को तो आपको एक आइडिया मिल जाता है कि यस देखिए एग्जैक्ट पॉइंट बताना ना मेरे लिए पॉसिबल है ना आपके लिए पॉसिबल है किसी के लिए भी पॉसिबल नहीं है लेकिन हाँ एक एक रेंज मिल जाती है जहाँ पे हम सेफली हार्बर कर सकते हैं अपने आप को एक सेफली सेल थ्रू कर सकते हैं आप अपने पैसे को इरोड होने से बचा सकते हैं लाइक like एग्जाम्पल आप गैस प्राइस देख लीजिए गैस प्राइजेस जो हैं वो इतनी तेज़ी से बढ़े हैं अब आपको पता है गैस प्राइस बढ़ रहे हैं इनपुट कॉस्ट बढ़ रही है तो जो आपका पेट्रोलियम सेक्टर है या जो गैस सेक्टर है वो नीचे आने वाला है ख़राब होने वाला है उसका जो सीनेर है जो सिस्टम है जो इकॉनमी है जो स्केल है वो गड़बड़ होने वाला है तो आप अपना मार्केट अपने जो फंड्स हैं वहाँ से डिसप्लेस कर सकते हैं और वापस आ सकते हैं उस टाइम पर जब वो आपका सीनेर ठीक होना हो जाता है तो एक साइकिल है ये आप उस साइकिल को अगर आप हिस्टोरिकली uh, व्यू करेंगे तो यू माइट गेट सम अंडरस्टैंडिंग दैट वेयर वी शुड टेक द स्टेप्स कि कहाँ आपको कौन सा स्टेप लेना है मार्केट में रुकना है मार्केट से पैसा निकालना है या मार्केट में डालना है नो no डाउट ये बहुत आसान काम नहीं है बोलना बहुत आसान है लेकिन हैविंग सेट दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड द थिंग्स इन दैट प्रस्पेक्टिव आई एम रिपीटिंग वंस अगेन द थिंग्स दैट द फर्स्ट ऑफ ऑल यू मस्ट बी वेरी पेशेंट आपको ग्लोबल न्यूज़ से क्लू लेना है एक्ट करना है लेकिन आपको पैनिक नहीं करना है पैनिक करेंगे तो वो सबके लिए नुकसान है पैनिक के साथ साथ आप अगर पैनिक नहीं करते हैं तो आपको पेशेंस भी रखनी है अगर आपने मनी कहीं इन्वेस्ट किया है एंड यू हैव द गट यू हैव रिसर्च क्वाइट वेल आपने एक्सपर्ट से बात की कि ठीक है थोड़ा सा रेंज अगर नीचे आता है मार्केट जहां आपने पैसा लगाया है वो थोड़ा नीचे आता है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है क्योंकि आपने उसको रिसर्च किया है तो फर्स्ट ऑफ ऑल नंबर वन Number one, you should not panic. Number two, there must be patience. You must harbor your money in a safe zone when the market is uncertain. And when the market is certain, it's like it's going to be certain, then again do the things which will grow your money. Thank you very much. Happy investing. आइए अब आपको दिखाते हैं एक गीत जिसे गा रही है पांडे। मेरे, प्यारे वतन, मेरे बिछड़े चमन पे दिल कुर्बान तू ही मेरी आ छड़े चमन तुझ पे दिल कुर्बान से प्यारी सुबह तेरी सबसे रंगी तेरी शाम तुझ पे दिल कुर्बान तू ही मेरी